डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रोफेसर मणिकांत कुमार, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। तो इससे पहले की क्लास में मैं चर्चा कर रहा था EPC 3 के बारे में। EPC 3 मीन्स ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम शुरू किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से। हमने कंप्यूटर का परिचय लिया था कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट कैसा होता है, कैसे डाटा का ट्रांसफर होता है, हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी बातें पर हमने चर्चा किया था। डिफेंसन में हमने ये देखा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच डिजायर टू एक्सेप्ट द डेटा एंड स्टोर द डेटा ऑटोमेटिकली, देन इट्स प्रोसेस एंड फाइंड आउट द रिजल्ट आफ्टर देन, बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक सेल्फ डिसीजन बिकॉज इट डिपेंड ऑन अंडर योर और अंडर आवर डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। तो हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इसका हिंदी होता है निर्देश। अगर इसे डिफिनेशन देना पड़े, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना पड़े, तो देखिए क्या बताएंगे। इंस्ट्रक्शन इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर विच आर गिवन बाय यूजर फॉर करेक्ट प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट। इंस्ट्रक्शन एक ऑर्डर है, इट इज एन ऑर्डर विच आर गिवन बाय यूजर, मतलब आप या हम हो सकते हैं, यूजर हम या आप हो सकते हैं। तो सिंपल है, इट इज एन ऑर्डर विच आर गिवन बाय यूजर फॉर करेक्ट प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट। अब बात करते हैं यूजर की। यूजर क्या होता है? सिंपल सा है, जो यूज करता है। अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं तो गाड़ी के यूजर आप हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल के यूजर आप हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कंप्यूटर के यूजर आप हैं। यहां पे अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, ए पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर और मशीन जो भी जिसका यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है यहां तक? और पिछले क्लास में ही हमने चर्चा किया था यूनिट के बारे में, और मैं आपको इसका डिटेल बताया था कि अगर हमारी प्रॉब्लम 2+2 है तो इक्वल टू 4, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सॉल्यूशन। इसका डायग्राम बना के हमने विस्तार से चर्चा किया था। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, इनपुट यूनिट, जिस यूनिट के द्वारा हम अपने डेटा को मशीन में डालते हैं वो होता है इनपुट यूनिट, इनपुट इकाई, डाटा का प्रवेश द्वार जहां से हम अपनी समस्या को डालते हैं। उसके बाद मेमोरी, सिंपल है बिल्कुल, मेमोरी आप लोग समझ ही रहे होंगे मेमोरी होता क्या है। मेमोरी जहां पे डाटा जमा होता है, स्टोर होता है, जैसे
मेमोरी कार्ड आप देखे होंगे, अभी बहुत लोग सबके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होगा, उसमें क्या होता है, अगर वो खाली है तो आप उसे बहुत सारे डेटा को जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल हो गया तो आप जमा नहीं कर पाएंगे, डाटा फुल लिखेगा। तो मेमोरी यूनिट इट प्रोवाइड ब्लैंक स्पेस वेयर वी कीप द डेटा। ये खाली जगह होता है जहां पे डेटा को रखा जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेस का मतलब बिल्कुल सिंपल, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब सब लोग चाय पीते होंगे, जब चाय बनाने के लिए शुरू करते हैं तो एक बर्तन होता है चाय बनाने वाला, उसमें आप दूध डालते होंगे, चीनी डालते होंगे, चाय पत्ती डालते होंगे, और जो कुछ भी डालना होता है चाय में वो आप डालते होंगे। उसके बाद आप उसको चूल्हा पर रखते होंगे। चूल्हा पर रखने के बाद क्या होता है कि चाय बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चाय बनने की प्रक्रिया शुरू होती है क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आपने उसमें डाला, चाहे वो आपने दूध डाला, चीनी, चाय पत्ती, या और जो मटेरियल आपका चाय बनाने वाला है वहाँ पर डाला, ये सब रॉ मटेरियल आपने वो डाला, तो उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, चाय कप में फिल्टर क्या हो चाय मिला आपको। तो आपने इतना मेहनत क्यों किया चाय के लिए, और उस चाय को पाने के लिए आपने कितना मेहनत किया, आपने बर्तन की व्यवस्था किया, आपने उसमें दूध डाला, जो भी रॉ मटेरियल था चाय वाला वो सबको डाला आपने, उसको खोलाया बोलते थे, वो खोलना जो होता है ना वो चाय बनने की प्रक्रिया होती है। जब चाय आप उस बर्तन को चूल्हा पे डालते हैं रखते हैं तो चाय खोलना शुरू होता है, तो वही उसकी प्रक्रिया हो रही होती है। और उसका आउटपुट कब होता है, जब आप उस चाय को फिल्टर करते हो कप में लेते हो तो आपका आउटपुट हो या प्रक्रिया क्या, वही तो चाह रहे थे कि मुझे चाय चाहिए तो चाय लेने के लिए इतना प्रक्रिया करना था। वही यहाँ पे कि 2+2 हमको चार लेना है तो हमने 2 का यूज किया, प्लस का यूज किया, फिर 2 का यूज किया, दिस इज माई रॉ मटेरियल। इस सब की प्रक्रिया होने के बाद मुझे क्या प्राप्त हुआ, दिस इज माई चाय टी, ये मेरा रिजल्ट, ये मेरा सोल्यूशन। ये जो प्रक्रिया होता है ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी चर्चा में कल किया था, प्रोसेसिंग यूनिट। वहीं पे चाहे जिस टाइप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो लॉजिकल हो, न्यूमेरिकल हो, जो भी हो, सारी प्रक्रिया वहीं पे संपन्न होती है। उसके बाद आउटपुट यूनिट की बात करते हैं। अब आउटपुट अगर मीनिंग हिंदी में ले तो बिल्कुल सिंपल है, आउटपुट बाहर निकलना, तो बाहर क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है रिजल्ट, जिस तरह चाय निकला कप में आया फिल्टर होने के बाद, उसका प्रक्रिया होने के बाद, उसी तरह रिजल्ट होता है आउटपुट। अब इसको एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, व्हाटएवर वी गेट फ्रॉम आउटपुट यूनिट इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वही होता है मेरा रिजल्ट, वही होता है मेरा सॉल्यूशन। तो अब ये आउटपुट यूनिट के बारे में, ये हो क्या सकता है, जैसे आपका मॉनिटर, जैसे आपका प्रिंटर, स्पीकर, तो ये सब मेरा आउटपुट यूनिट का एक अच्छा उदाहरण है। अब बात करते हैं लोग डाटा, DATA। अब ये क्या होता है, ये डेटा, क्योंकि सारा काम तो इसी पे डिपेंड करता है, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, आपके पास समस्या है तो डेटा से रिलेटेड समस्या ही है, यही मेरा सब कुछ है, इसी के आधार पे हम काम करते हैं, चाहे वो मेमोरी में जाता हो, इनपुट में डालते हैं, मेमोरी में स्टोर होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर हम रिजल्ट पाते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है डाटा। तो ये होता क्या, इट इज रॉ मटेरियल, ऑफिशियली इट इज डेटा, इन अदर वर्ड्स व्हाट एवर वी इंटर इनटू द मशीन टू बी प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा और नोन एज डेटा। हम जो कुछ भी मशीन में डालते हैं, मीन्स कंप्यूटर मशीन में डालते हैं, कहां से डालते हैं इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है,
डालेंगे इनपुट यूनिट के द्वारा डालेंगे, तो व्हाट एवर यू एंटर इनटू द मशीन टू बी प्रोसेस दैट इज डेटा। बिल्कुल सिंपल है, और मैंने पहले बताया इट इज ए रॉ मटेरियल नोन एज डेटा। जिस तरह आप चाय का उदाहरण लेंगे कि आपने चाय कैसे बनाया था, सारा रॉ मटेरियल जो एक जमा किया आपने, चूल्हा पे डाला, उसी प्रक्रिया हुई और आपने चाय लिया। उसी तरह से इसके बाद मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 2+2=4। अब वही है डेटा, मीन्स फिर समझिए व्हाट एवर वी इंटर इनटू द मशीन टू बी प्रोसेस दैट इज डेटा। व्हाट एवर वी इंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट एवर वी इंटर इनटू द मशीन और कंप्यूटर सिस्टम नोन एज डेटा। अब बात करते हैं, अभी हम समझ चुके हैं व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, व्हाट एवर वी और यू भी कर सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, व्हाट एवर वी इंटर डाला, व्हाट एवर वी इंटर इनटू द कंप्यूटर और मशीन नोन एज डेटा। हम मशीन में जो कुछ भी डालते हैं वो डेटा कहलाता है। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के कितने प्रकार है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल सिंपल है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा कितने प्रकार के होते हैं, बहुत भारी चीज नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल बताया था सटीक डिफिनेशन उसी से बनेगा। ये डेटा दो तरह के होते हैं, एक प्रॉब्लम और दूसरा सोल्यूशन। प्रॉब्लम मतलब जो आपकी समस्याएं हैं, जिसकी चर्चा में यहां पर किया हूं 2+2 और =4, दिस इज ए प्रॉब्लम एंड दिस इज माई सोल्यूशन। डेटा दो ही होते हैं, एक प्रॉब्लम और दूसरा सोल्यूशन। प्रॉब्लम वाले डेटा बोलते हैं इनपुट डेटा, और सॉल्यूशन का जो डेटा होता है वो होता है आउटपुट डेटा। इनपुट डेटा है आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा मींस प्रॉब्लम एंड आउटपुट डेटा मींस सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, इनपुट डेटा मींस व्हेन वी इंटर प्रॉब्लम इनटू द मशीन, व्हेन वी इंटर एज प्रॉब्लम इनटू द मशीन, जब हम अपनी समस्या को डालते हैं जिसकी चर्चा मैं पहले किया हूं, जो भी समस्याएं हैं, व्हेन वी इंटर एज प्रॉब्लम इनटू द मशीन दैट इज इनपुट डेटा। मींस एग्जांपल के लिए 2+2 एंड आउटपुट डेटा, व्हाट एवर वी गेट, हम जो कुछ भी पाते हैं, व्हाट एवर वी गेट इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, या और डिटेल करेंगे इसका, वट एवर वी गेट फ्रॉम आउटपुट यूनिट इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट और इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डेटा, आउटपुट डेटा। जो कुछ हम लोग पाते हैं वो आउटपुट डेटा, और जो कुछ भी हम लोग डालते हैं वो इनपुट डेटा। और दोनों डेटा में होता क्या है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या होता है, डेटा किस चीज का कॉम्बिनेशन है, क्या 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 मिला के बनता है डेटा,
तो सीधा सबको समझे थे कि इट इज रॉ मटेरियल। और उसके बाद में ये चर्चा किया था कि हम जो कुछ भी मशीन में डालते हैं वो डेटा कहलाता है। तो क्या क्या डाल सकते हैं आप मशीन में, आप इनपुट यूनिट के माध्यम से अपने सिस्टम में क्या क्या डाल सकते हैं, तो उसकी चर्चा मैं कर देता हूं। ए डेटा कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। डाटा ही हो सकता है। ए डेटा कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, लेटर मीन्स ए टू जेड। आप इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकते। आप कीबोर्ड में देखेंगे तो ए से लेके जेड तक, क्लियर नहीं है। ए डेटा कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, आफ्टर देन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट मीन्स 0 to 9, 0 से लेके 9 तक। अगर हम बात करोड़ों करोड़ की करें, लाखों लाख करोड़ों करोड़ खरब की बात करें, तो वहां पर हम यूज करेंगे 0 to 9 के बीच में, इससे कुछ ज्यादा नहीं, इससे कुछ कम नहीं। अगर आपको टाइप करना हो अमेरिका, आपको टाइप करना हो वेस्ट इंडीज, आपको टाइप करना हो जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो आप यूज करेंगे ए से लेकर जेड तक के लेटर का बस। उसके बाद हम बात करते हैं सिंबल की। तो आपने कीबोर्ड में देखा होगा बहुत सारे सिंबल होते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्टार, ये बुलेट, प्लस, माइनस, ये पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, किसी बहुत सारे सिंबल होते हैं, और स्पेशल करेक्टर खास चरित्र। इसके अलावा आप जो कुछ भी डालते हैं वो खास चरित्र होता है, कोई ग्राफिक्स वगैरह, कोई किसी कोई चीज का इमेज, वो सब स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए तो कम्बिनेशन होता है, ये सब मिलके डेटा बनता है, इसी सब का कम्बिनेशन है जो डेटा कहलाता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम डेटा की बात करें तो वॉट एवर वी इंटर इन टू द मशीन टू बी प्रोसेस, हम जो कुछ भी मशीन में डालते हैं वो डेटा कहलाता है। ए डेटा कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डिजिट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में फिर आगे की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।